पीएफ में अधिकतम निवेश से होगा गजब सालाना 2.5 लाख तक वीपीएफ निवेश पर ब्याज टैक्स फ्री। रिटायर होने के बाद पैसों की तंगी ना हो इसके लिए आप लंबी अवधि के निवेश कर रहे होंगे। ईपीएफ, पीपीएफ, एनपीएस, इक्विटी और डेट फंड इनमें शामिल है। ईपीएफ में न्यूनतम निवेश अनिवार्य है, लेकिन इसे अधिकतम सीमा तक ले जाना सही फैसला हो सकता है। जानते हैं क्यों? कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ रिटायरमेंट के लक्ष्य साधने में बड़ी भूमिका निभाता है, लेकिन यदि आप सरकारी नियमों के मुताबिक इसमें न्यूनतम निवेश 12% करते रहते हैं तो हो सकता है कि रिटायर होने पर आपको उतनी रकम ना मिले जितनी उस दौरान जरूरत होगी। चूंकि निवेश के ज्यादातर अन्य साधनों में बाजार में उतार और चढ़ाव, बदलते आर्थिक हालात से जुड़ा रिस्क बना रहता है, लिहाजा आपको ऐसे निवेश की जरूरत होती है जिसमें रिस्क फैक्टर और गलतियों की गुंजाइश कम हो। ईपीएफ की सबसे बड़ी खूबी यह है कि एक तय समय सीमा तक इसमें निवेश बढ़ने पर बतौर ब्याज होने वाली आय टैक्स फ्री होती है। ज्यादातर दूसरे निवेश से होने वाले आय अमूनन टैक्सेबल होते हैं और इनमें छूट या कटौती की शर्तें होती हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि ईपीएफ में ज्यादा से ज्यादा निवेश करें और ये भी सुनिश्चित करें कि इस फंड में आपका पैसा बढ़ता रहे।